दे दीजिए, हम अपने काम पे चले जाए। आप क्या लगता है कि दिल्ली में आप लोग पूरे की ट्रेन जो है हम पिछले 5 महीने से बिना वेतन कैसे गुजारा करें, सोच के देखो। हमने भारत सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, माननीय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के महापौर सभी को बार बार पत्र के द्वारा संज्ञान में लाया गया। अनेकों बार धरने प्रदर्शन किए, पूरे कोरोना महाकाल में लगातार संघर्ष किया, लेकिन इस विभाग की कोई वो नहीं हुआ। लास्ट में आगे हड़ताल के पे जाना पड़ा। और मैं एक बात कहता हूँ कि दिल्ली के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संज्ञान लेना चाहिए, ताकि दिल्ली को की व्यवस्था बनी रहे। और मैंने यूनाइटेड नेशन में भी बात डाली हुई है, इसके मामले को आपने देखो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में डाली हुई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजा हुआ है, इससे कोई जवाब नहीं है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से सबसे डिमांड करता हूँ कि अगर हम मेरे को वेतन दे, अगर नहीं दे सकते तो इच्छा मृत्यु का अधिकार दे। इच्छा मृत्यु किस तरह से जो कर्मचारी है सफाई तो बिचो यार, बहुत काम कर दो। सफाई कर्मचारी आज इस दिल्ली की जनता को स्वच्छ वातावरण देता है, परंतु आज सफाई कर्मचारी की आर्थिक स्थिति इतनी हुई है और जब तक सफाई कर्मचारी किसी आंदोलन में नहीं आता, तब तक वो आंदोलन पूरा नहीं। और सफाई कर्मचारी तय कर चुके हैं तीनों मेयर के निवास में और केंद्रीय विभाग के निवास में, तीनों मंत्रियों के निवास में पूरे आते हैं। Thank you.